हमारे उदयपुर शहर से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच में फलेशा ब्लॉक के जामुड़िया हेल्थ सब सेंटर में लेबर रूम नहीं होने की वजह से महिलाओं को डिलीवरी के लिए 50 से 60 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। हमारी सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए गांव में कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन अक्सर ये योजनाएं गांव तक नहीं पहुंच पाती। जामुड़िया हेल्थ सब सेंटर में लेबर रूम नहीं होना इसका एक उदाहरण था, लेकिन आज गाँव में परिस्थिति धीरे धीरे बदल रही है। स्वयंसेवी संस्था, सरपंच और समुदाय की भागीदारी से आज यहाँ पर लेबर रूम बनाया जा रहा है। महिला और सरपंच के प्रयास से 2 लाख की राशि स्वीकृत हुई है और आज वहां पर लेबर रूम बनाया जा रहा है। जामुना में जो सब सेंटर में लेबर रूम की आवश्यकता कब महसूस हुई? हमारे यहाँ लेबर रूम बनाने की आवश्यकता 20 साल हो गए। हमारे खेड़ा फला में एक महिला थी, सुबह से एक बार वो पानी लेके गई और जैसे वो पानी लेके गई उसकी दर्द चालू हो गया। जाते जाते यहाँ धराफला में दही में वो गई, जाते जाते उसकी तो बहुत हालत बिगड़ गई। पर क्या करें, उसके तो माथा तो बाहर आ नहीं रहा था, पहले बच्चा पैरों से आ गया, फिर उसकी तो जान चला गई, मृत्यु हो गई महिला की। लेबर रूम नहीं होने से महिलाओं को किस तरह से दिक्कत होती थी और कहाँ और कितना दूर उनको लेके जाना पड़ता था? लेबर रूम नहीं होता तो हमको तो 50 किलोमीटर भी लेके जाना पड़ता, उसकी जान बचानी है तो। जमुने में सब सेंटर में लेबर रूम बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे की आपने? सबसे पहले महिला की बैठक ली गई और उसके बाद में सब गांव की लेडीजों ने मिलकर मतलब प्रस्ताव दिया और फिर ये ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में लिया गया और फिर वीडियो को दिया और वीडियो से वापिस जिला परिषद में दिया गया और जिला परिषद से वापिस सेक्शन निकल के आई, तब हमने यहाँ लेबर रूम बनाने का किया। पहले ग्राम सभाओं के ऊपर महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय पर चर्चाएं नहीं होती थी और न ही गांव की महिलाओं की भागीदारी रहती थी। गांव की रोग कल्याण समिति भी एक्टिव नहीं थी। क्या महिलाएं ग्राम सभा में पहले भाग लेती थी? पहले तो इतनी महिलाएं ग्राम सभा में भाग भी लेती थी, लेकिन क्या है कि जब लेडीज सरपंच बनी, जब भी ग्राम सभा होती थी, जब सूचना करती थी तो लेडीज ग्राम सभा में भाग लेती है। ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी नहीं रहती थी। ग्राम सभा क्या होती है ये महिलाओं को जानकारी भी नहीं थी, अपनी बात कहाँ रखनी है जानकारी भी नहीं थी ये, और अब आपको आगे से ये बन जाएगा निशान। ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा? इसके लिए ये करना पड़ा कि सृष्टि सेवा संस्था के बारे में मीटिंग लेनी पड़ी और उसके बाद में जैसे ही मीटिंग लेना स्टार्ट किया तो महिला भी बैठक में आना स्टार्ट हो गई। सुरक्षित मातृत्व गठबंधन के तहत हमने ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है और उन्हें जागरूक किया गया है और ग्राम सभा के महत्व को समझाया है। ग्राम सभा के पास में वो शक्ति है जो चाहे जो निर्णय ले सकती है और सुरक्षित मातृत्व को अपने अंदर शामिल करके महिलाओं को लाभ दिलाने में बहुत मदद कर सकती है। हमारे प्रयासों से गांव की किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जामुड़िया रोग कल्याण समिति व समुदाय की भागीदारी व मातृ स्वास्थ्य की सुविधा से हमें ये सीख मिलती है कि रोग कल्याण समिति व समुदाय की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इससे हमारे गांव में आ रही किसी भी स्वास्थ्य की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत रहती है। मैं शंभुराज सवाल उदयपुर जिले के जामुड़िया गाँव से, इंडिया अनेट के लिए।